नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सिंह चैनल में आपका फिर से एक बार मन मन से स्वागत है। आज है ट्यूसडे और जैसे कि आप जानते हैं कि हर ट्यूसडे को जो है मैं साई डिवोटीज के उनके जो खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज भी उन लोगों के ही कुछ एक्सपीरियंस या बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बट देन इट इज़ नॉट एग्जैक्टली what they have experienced, it is related to me and my pregnancy. So, कुछ devotees हैं जिनके नाम लेके मैं आपको really बताना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या predict किया था, उनको क्या feel हुआ था, क्या लगा था और वो जो चीज़ें हैं सच में बाबा ने जो है वो कैसे पूरी कर दी। So, जैसे कि मैंने बताया वीडियो में, यू नो, मुझे मैंगोज मिले थे, कोकोनट मिला था एंड मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट देन आई रियली गॉट प्रेगनेंट एंड ऑल एवरीथिंग। सो जस्ट मेरी प्रेगनेंसी न्यूज़ आने के पहले जब वो स्टोरी मैंने शेयर करी थी उस टाइम पे आप ड्यूटीज के इतने सारे कमेंट्स और इतने मेल आए थे कि यू आर टेलिंग के अरे तुम्हारा जो है अभी दिन आ गया है, बाबा जो है तुम्हें मैंगो मिराकल हो गया है, मैंगोज मिल गए हैं, तो तुम्हें खुशखबरी ज़रूर मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी वगैरह ऐसे वैसे। तो मैं जस्ट उनको बोलती थी कि हाँ आपकी जो है बताई हुई बात जो है बाबा डेफिनेटली सच हो जाए तो डेफिनेटली अच्छा ही है, सारा सब कुछ सही है एंड एवरीथिंग। सो इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जस्ट मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट के पहले जब मुझे खुद को मतलब ऐसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके एग्जैक्टली कुछ दो तीन दिन पहले ही कुछ डिवोटीज ऐसे हैं कि जिनको सपना आया, ड्रीम आया दैट दे सॉ मी दैट आई वाज प्रेग्नेंट। सो इट वाज रियली वेरी शॉकिंग फॉर मी। मैंने बोला अरे मुझे चीज़ें नहीं पता कुछ नहीं, बट देखिए साई डिवोटी होते और साई जो है किन के माध्यम से कैसे इंडिकेशन देके जो आपको है कुछ बताते हैं या फिर आपको जो है वो न्यूज़ देते हैं या आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है आपके साथ आगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इट्स योगा टाइम, वो एक दादाजी है जो कि कनाडा में होते हैं, बहुत ही अच्छे दादाजी हैं। मतलब पता नहीं, देखो आप सारे सभी जो है वीडियोस देखते हो, यू आर इन इंडिया, यू आर इन अदर फॉरेन कंट्रीज और आई एम रियली सो हैप्पी कि हम लोग ऐसे नहीं, बट ये चैनल और साई की वजह से जो है हम लोग ऐसे इतने पार्ट्स ऑफ द कंट्री से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इनका नाम है बलराज जी। तो ये जो दादाजी हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े इनके आप देख सकते हैं, इट्स योगा टाइम करके नाम है, कमेंट सेक्शन में दिखेगा हर वीडियो में। तो बहुत अच्छे अच्छे बड़े मैसेजेस देते हैं क्योंकि उनके कमेंट्स पढ़ के यू नो इट इज काइंड ऑफ कि मेरी वीडियो तो होती ही है बट उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है, जिस तरह से वो भी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ें बताते हैं कि हाँ बाबा ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो मुझे खुद भी उनके कमेंट पढ़ के जो है काफ़ी चीज़ें ना सीखने को मिलती हैं। एंड आई एम श्योर कमेंट के सेक्शन में है तो अगर कोई भी पढ़ता होगा तो उनको भी जो है काफ़ी उससे नॉलेज मिलेगी। तो बहुत उनके अच्छे अच्छे मैसेजेस होते हैं। तो उन्होंने मुझे वो अपने बेटी समझ के हमेशा उनको जो भी फील होता है लगता है वो जो ना मुझे बताते रहते थे कि बेटा तुम ये खाओ, बेटा तुम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हो तो तुम कपालभाति करो, तुम अनुलोम विलोम करो, जो कि डेफिनेटली दादाजी ने जब कहा तो आई जस्ट फेल लाइक दैट इट हैज़ कम फ्रॉम साई बाबा इट्सेल्फ। क्योंकि आप नहीं जानते हो, आपको पता नहीं चलता है कि कौन किस रूप में आके किस यू नो किस इसमें आके आपको जो है बाबा के थ्रू मतलब जो है आपको कोई इंफॉर्मेशन दे, कुछ चीज़ें ऐसे बताए जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बट आपको वो पता नहीं चलती। सो वहाँ पे ऐसा होता है कि साई डिवोटीज जो है वो आते हैं और साई बाबा के माध्यम से थ्रू उनके आपको सारा सब जो है मैसेज पहुँचाते। तो जब उनसे मैंने ये चीज़ें सुनी तो आई फेल्ट लाइक कि अरे ये शायद साई बाबा ही बता रहे हैं, मैं उनको वैसे ही बाबा ही मानती हूँ, तो मुझे ऐसे हमेशा फील होता है कि अरे ये बहुत केयरिंग है, लविंग है और शायद ये मैसेज उन्होंने भेजा है तो डेफिनेटली ये मैंने करना चाहिए। और मैंने जो की है काफ़ी महीने पहले वो करना स्टार्ट भी करा था और काफ़ी टाइम तक मैंने वो करा भी। तो आई रियली फील लाइक कि समवेयर
आप डिवोटीज का जो प्यार है, ब्लेसिंग है, आप जो इतना प्यार भरे सारे सब कुछ मैसेज जो कंसर्न दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, तो ये बहुत मायने रखता है. एंड समवेयर फॉर माई प्रेगनेंसी इट हैज डेफिनेटली प्लेड अ बिग रोल. तो दादाजी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस वीडियो में कि आपने जो है सारे सब कुछ चीज़ें बताई. उन्होंने एक बार बताया था कि आप बाबा के सामने कोकोनट रखो, उनको स्नान कराओ और फिर प्रसाद दो वगैरह, तो ऐसी चीज़ें भी वो बताते रहते हैं और हमेशा बोलते हैं कि जल्दी तुम्हें यू नो गुड न्यूज़ मिलने वाली है, मुझे दिख रहा है, मुझे समझ रहा है, मुझे पता चल रहा है कि तुम्हें जो है सारी सब अब तुम्हारी इच्छा जो है वो जल्दी से ही पूरी होने वाली है. तो ये जब तक अभी मेरे पास मतलब वो टेस्ट नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, तो मैं तब तक लाइटली ले रही थी. मुझे बस इतना अच्छा लग रहा था कि डिवोटीज है जो प्रे कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं मेरे बारे में, दैट्स मोर देन इनफ आई गेस. सो दैट वाज रियली वेरी काइंड ऑफ हिम. तो एक वो हो गए. सो थैंक यू सो मच दादाजी, आपने इतना प्रे किया, इतना सारा सब कुछ करा, आपने जो जो बोला वो हमने किया और डेफिनेटली उसका आज जो है हम लोगों को फल मिला है. और दूसरे डिवोटी है नमिता जी करके. कुछ कुछ डिवोटीज ऐसे हैं ना कि वो फट से ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, दे फील लाइक कि अरे हमारा जो है बाबा से एक दूसरे से इतना गहरा रिश्ता है कि हम उसको ऐसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इट्स जस्ट काइंड ऑफ कि वी जस्ट गेट कनेक्टेड. और किसी को भी जब भी जो भी लगता है तो आप डिवोटीज जो है वो मुझे मेल में शेयर करते हैं. तो नमिता जी का तो इतना ज़्यादा बड़ा ये एक्सपीरियंस है और इतना ड्रीम है. मैं बताती हूँ आपको, तो जस्ट मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट होने के पहले 2-3 दिन पहले ही इनका मुझे मेल आया. आई विश आई कुड जस्ट रीड इट, बट मैं फ़ोन में शूट कर रही हूँ तो फ़ोन में ही वो पूरा मेल है लिखा हुआ. तो उन्होंने इतना बड़ा ड्रीम देखा मेरे बारे में, उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया, तो मैं बताती हूँ आपको क्या. तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि निकिता जी पता है मैंने एक ड्रीम देखा और मैंने ड्रीम में देखा कि आप जो है प्रेग्नेंट है और आपने मस्त ग्रीन वाले जो है साड़ी होता है या ड्रेस होता है पता नहीं, बट एकदम जो बेबी शॉवर वाला ग्रीन कलर होता है तो वो आपने पहन रखा है और सारा सब कुछ करके रखा है. आप चांद पे जो है वो बैठे हैं, फोटोशूट करवा रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी फोटोशूटिंग चल रही है और आप बहुत हैप्पी है और आप प्रेग्नेंट है. तो और भी काफी कुछ एकदम डिटेल्स उन्होंने उसमें शेयर किए. तो वो सुन के वो पढ़ के तो मतलब मुझे इतना ज्यादा टच फील हुआ, इतना बढ़िया लगा. आई वॉज लाइक वाओ, मतलब बहुत ही अच्छा ड्रीम देखा है आपने. एंड आई विश कि अगर बाबा ये मेरी इच्छा पूरी करते हैं तो मैं डेफिनेटली नमिता जी ट्राई करूंगी कि आपने जैसे सपना देखा, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि मेरा गेटअप या आउटफिट कैसा था, बैकग्राउंड में क्या था वगैरह, तो वो मैं डेफिनेटली कर पाऊँ अगर मेरे बस में होगा तो. सो आई विल डेफिनेटली फॉर श्योर ट्राई टू डू दैट. सो दर्शकों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे तो नहीं बट मेरे से पहले साई बाबा ने साई की डिवोटी को मेरा सपना दे के उन तक जो है ये न्यूज पहुंचा दी, जिनके बाद वो मेरे तक के आई और उसके 3 दिन बाद जो है मुझे पता चला कि ओ आई एम एक्चुअली रियली प्रेगनेंट. सो दैट वॉज रियली वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग फॉर मी कि मैंने बोला हाँ ये बातें भी सच हो सकती हैं ऐसे. ये हो गई दूसरी बात. और तीसरा जो है किसका बताऊं मैं, मतलब और भी काफी सारे डिवोटीज हैं. तो एक और डिवोटी है जिनका नाम है संगीता माथुर जी. तो ये एक आंटी है, ये भी मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो गई हैं और इनके भी जो है इनका एक मैंने एक्सपीरियंस भी शेयर किया है वीडियो में उदी वाला. और इनके भी काफी ऐसे एक प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड बहुत अच्छी एक बड़ी और एकदम अनबिलीवेबल वाली एक्सपीरियंस है. तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली जल्दी कभी तो भी शेयर करूंगी. तो ये आंटी भी बहुत अच्छे से मेरे से जुड़ गई और यू नो वो सबसे पहले बहुत कंसर्न हुई. उन्होंने पूछा कि तुम्हारे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, तबीयत ठीक तो है ना, सारा सब कुछ ठीक है. तो इसके पहले जो मेरी लास्ट वीडियो थी अगर आप देखें तो उसमें मैं कमज़ोर दिखाई दे रही हूँ, आई हैव गॉट वीक एंड यू नो मैं पतली लग रही हूँ अभी भी शायद. हाँ मेरा वेट उतना बड़ा नहीं है क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई, इतनी सारी सभी तबीयत खराब हुई कि खाना मेरे बॉडी में था ही नहीं. और यू नो मैंने काफ़ी सारा 2-3 हफ्ते में ही मतलब 4-5 किलो तक के जो है वेट मेरा पूरी तरह से एकदम कम हो गया. तो
वो वाली वीडियो देख के उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था कि अरे तुम वीक हो गई हो, तुम पतली हो गई हो, और सबसे पहले उन्होंने पूछा इज दैट इज अ गुड न्यूज। तो मुझे लगता है जो मदर्स होती हैं, जो एक्सपीरियंस कर चुकी हैं मदरहुड वगैरह ये वो, तो उनको ये चीज़ें जो है तुरंत क्लिक हो जाती है, तो उनको पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी चीज़ होगी तभी मतलब तुम कमज़ोर हुई हो वगैरह। तो आई एम सो सॉरी आंटी, बट उस टाइम पे जो है मैं आपको नहीं बता पाई क्योंकि वही कुछ रीजंस होते हैं। आई रियली वॉन्टेड टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, सारा सब कुछ ठीक है एंड ऑल, तो इसलिए मैं तभी आपको नहीं बता पाई। बट देन या विद द वीडियो नाउ यू मस्ट बी नोइंग दैट यू आर राइट, और ऑब्वियसली उसी चीज़ की वजह से जो है मैं कमज़ोर हो गई थी, ठीक नहीं था मुझे, और वही सारा सब कुछ चल रहा था। सो आई एम रियली हैप्पी कि बाबा जो है मतलब सारे सभी डिवोटीज को कैसे कनेक्ट करके उन तक पहले ही जो है वो चीज़ें और मैसेजेस पहुंचा देते, और उसके बाद और भी कहीं ज़्यादा डिवोटीज हैं जिन्होंने मैसेज किया, बहुत लोगों ने पूछा मुझे कि गुड न्यूज़ है क्या, बताओ बताओ, बट वही मैं नहीं बता पाई। और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप सबका सच में आशीर्वाद और प्यार ही है जो मतलब मुझे ऑनगोइंग रख रहा है। वो कुछ महीने हफ्ते ऐसे थे कि सच में मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रही थी, एंड आई गेस सम टाइम इन योर लाइफ लाइक ब्रेक इज रियली इम्पॉर्टेंट कि आप शांत रहो, खुद के बॉडी को रेस्ट दो, अभी बेबी है तो बेबी को रेस्ट दो, उसका ख्याल रखो एंड सारा सब कुछ। तो वीडियोस भी पता है मैं ये सोच रही थी कि मैं कब प्लान करूँ, मैं कब आप लोगों के साथ शेयर करूँ प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ एंड ऑल दैट। तो सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी ये पहले प्लान करना था और बताना था, बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे ठीक नहीं था एंड अगेन मतलब मैं डाउन हो गई, एनर्जी डाउन हो गई, और मैं जो है वीडियो शूट नहीं कर पाई। बट उसके एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट थॉट ओनली वन थिंग कि नहीं, ये सारा सब कुछ जो है वो साईं बाबा ही करते हैं अपने टाइम पे, जब वो चाहते थे कि ये वीडियो जाए और जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये तभी ही जाएगी। तो इसलिए फिर मैं निश्चिंत हो गई, मैंने बोला जब शूट होगा, जब सही दिन रहेगा बाबा के हिसाब से ये वीडियोस जो है तभी रिलीज होंगी और जाएंगी और आप तक जो है वो पहुंचेंगी और वही सही टाइम भी रहेगा। तो इस तरह से जो है वो वीडियो शेयर हुई और आज की जो है डिवोटीज के एक्सपीरियंस की जो वीडियो है वो शेयर हुई। और इसके बाद जो है आगे वाले वीडियोस जो भी सारे सभी रहेंगे, आई होप मैं ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे के जैसे जैसे जो जो भी वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ लेके आऊँ और शेयर करती रहूँ। और जो भी सारे सभी सब्सक्राइबर्स हैं या साई के डिवोटीज हैं, आप लोगों के कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं जो है आपकी स्टोरी शेयर करूँगी ऑफ कोर्स अपने चैनल पे। और अभी फ़िलहाल जो है मैं लास्ट में आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो मदर्स हैं जो प्रेग्नेंट हो चुकी है या बेबी डिलीवर कर चुकी है, तो वो जो है अभी मुझे आपके टिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नई है मेरे लिए, मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आती। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि मतलब जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करिए। एंड बाय द वे निकीज हैप्पी बर्थडे में मैं हम लोगों की फर्स्ट रिएक्शन और काफ़ी सारी जो दूसरी वीडियोज़ है, हॉस्पिटल आना जाना, क्या मैंने यहाँ पे फेस किया, कैसे मेरी तबीयत थी, कैसे क्या हो रहा था, कौन सी चीज़ें मेरे काम में आए क्या नहीं, वो सारा सब कुछ मैं शेयर करूँगी। एंड अगेन इट विल बी काइंड ऑफ वेरी मच बेनिफिशियल एंड मोटिवेशनल फॉर ऑल द मदर्स या फिर जो माँ बनना चाहती हैं या फिर जो ट्राई कर रही हैं, तो हिम्मत ना हारे, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, बाबा ज़रूर इच्छाएं पूरी करते हैं। कैसे करते हैं, क्या है, आपको क्या करना है, वो सारा सब कुछ जो है ना निकी हैप्पी वर्ल्ड में शेयर करूंगी। तो आप दोनों चैनल्स पे जो है कनेक्टेड रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर मैं जो भी नई वीडियोज डालूँ तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। ओके, चलिए आज का वीडियो डिवोटीज का एक्सपीरियंस का यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, और ऐसे ही हमेशा बनाए रखिएगा। एंड आई रियली होप कि बाबा जो है सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे और आप जिस भी चीज़ के लिए अपने व्रत कर रहे हैं, साई सच्चरित्र पढ़ रहे हैं, पारायण कर रहे हैं, बाबा सबकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे और जल्दी आपकी सारी सभी इच्छा पूरी हो। ठीक है,
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे विद द न्यू साई डिवोटी एक्सपीरियंस. ओम साई राम.